सिख पंथ में सद्गुरु रविदास जी के दिए हुए 40 शब्दों का हिंदी अर्थ समझते हैं। शब्द नंबर 6, ऐसी भगति न होई रे भाई, राम नाम बिन जो कछु करिए सो सब भरम कहाई। भगति न रसदान, भगति न कथे ज्ञान, भगति न वन में गुफा खुदाई, भगति न ऐसी हाँसी, भगति न आशा पासी, भगति न सब कुल कान गवाई, भगति न इंद्री बांधे, भगति न जोग साधे, भगति न आहार घटाई, ये सब कर्म कहाई। भगति न निद्रा साधे, भगति न विराग बांधे, भगति न ये सब वेद बढ़ाई, भगति न मूड मुड़ाए, भगति न माला दिखाए, भगति न चरण धुआए, ये सब गुनी जन गाई। भगति न तोलो जानी, जो लो आप को आप बखानी, जोई जोई करे सो सो करम बढ़ाई। आपा गयो तब भगति पाई, ऐसी है भगति भाई, राम मिलियो अपने गुण खोयो, रिद्धि सिद्धि सभे जो गवाई। कही रविदास छूटी सब आस, तब हरि ताही के पास, आत्मा थीर भई तब ही निधि पाई। इसका हिंदी अर्थ समझते हैं। सद्गुरु रविदास जी महाराज सांसारिक जीवों को प्रभु की सच्ची प्रेमा भक्ति करने का उपदेश देते हैं। प्रभु के नाम सिमरन के बिन जो कुछ किया जाता है उस सब को भ्रम कहा जाता है। ऐसी भगति न होई रे भाई, राम नाम बिन जो कछु करिए सो सब भ्रम कहाई। इसका अर्थ हिंदी में होता है, हे भाई, आडंबरों से प्रभु की भक्ति नहीं होती। प्रभु के नाम के बिना जो कुछ भी जीव द्वारा किया जाता है उसे भ्रम कहा जाता है। भगति न रसदान, भगति न कथे ज्ञान, भगति न वन में गुफा खुदाई। इसका हिंदी अर्थ है, प्रभु की सच्ची भक्ति के बिना रसदान और कथा ज्ञान करना भक्ति नहीं है, न ही जंगल और पहाड़ों की गुफाओं में रहना भक्ति है। भगति न ऐसी हाँसी, भगति न आशा पासी, भगति न सब कुल कान गवाई। इसका हिंदी अर्थ है, भक्ति कोई मजाक नहीं है और न ही जुए का पासा है, जिसको जैसे चाहा डाल दिया, अपनी कुल मर्यादा को भूलना भी भक्ति नहीं है। भगति न इंद्री बांधे, भगति न जोग साधे, भगति न आहार घटाई, ये सब कर्म कहाई। इसका हिंदी अर्थ है, केवल अपने इंद्रियों पर काबू करना भक्ति नहीं है, योग साधना भी भक्ति नहीं है और आहार कम करना ये भी भक्ति नहीं है, व्रत रखना भी भक्ति नहीं है। इस सब को आडंबर कर्मकांड ही कहा जाता है। भगति न निद्रा साधे, भगति न वैराग बांधे, भगति न ये सब वेद बढ़ाई। इसका हिंदी अर्थ है, निद्रा को अपने वश में करना भक्ति नहीं है, दुनिया से उपराम होना भी भक्ति नहीं है, वेदों की उपमा करना भी भक्ति नहीं है। भगति न मूड मुड़ाए, भगति न माला दिखाए, भगति न चरण धुआए, ये सब गुनी जन गाए। इसका अर्थ है, सिर मुंडवाना और माला पहनकर दिखाना भी भक्ति नहीं है, चरणों को धुलाना भी भक्ति नहीं है। सारे गुणवान पुरुषों का यही विचार है। भगति न तोलो जानी, जो लो आप को आप बखानी, जोई जोई करे सो सो कर्म बढ़ाई। इसका हिंदी अर्थ है, जीव को उस समय तक भक्ति की समझ नहीं आती जब तक वह अहंकार में बोलता है। प्रभु की सच्ची प्रीति के बिना जीव जो कुछ भी करता है केवल अपने कर्मों की प्रशंसा करता है। आपा गयो तब भगति पाई, ऐसी है भगति भाई, राम मिलियो अपने गुण खोयो, रिद्धि सिद्धि सब है जो गवाई। इसका हिंदी अर्थ है, हे भाई, अहंकार मिटा कर ही वास्तविक भक्ति की जा सकती है। जब प्रभु की भक्ति की प्राप्ति होती है तो
जीव में अहंकार के कारण पैदा हुए सभी विकार खत्म हो जाते हैं और रिद्धियों सिद्धियों की इच्छा समाप्त हो जाती है। कही रविदास छूटी सब आस, तब हरि ताही के पास, आत्मा थेर भई तब ही निधि पाई। इसका अर्थ है, गुरु रविदास जी महाराज फरमाते हैं कि जब जीव की सभी इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं, तब जीव प्रभु में विलीन होकर स्थिर हो जाता है। उस समय सर्वोच्च निधि रूपी प्रभु की प्राप्ति हो जाती है। है सब आत्म सुख प्रकाश सांचो, निरंतर निराहार कल्पित पांचो, आदि माधव ओसान एक रस तार तुम्ब नाताई, थावर जंगम कीट पतंगा पूरी रहयो हरि राई, सर्वेश्वर सर्वंगी सर्वगति करता हरता सोई, शिव न शिव न साध अरु सेवक उन्हें भाव नहीं होई, धर्म अधर्म मोक्ष नहीं बंधन जरा मरण भव नासा, दृषटी अदृषटी गे अरु ज्ञाना एक मेक रविदासा। इस पावन शब्द में सद्गुरु रविदास जी महाराज उपदेश देते हैं कि प्रभु का प्रकाश ही परम सुख है और इस प्रभु कण कण में विद्यमान है और उसके गुणों को व्यक्त नहीं किया जा सकता। है सब आत्म सुख प्रकाश सांचो, निरंतर निराहार कल्पित पांचो। इसका हिंदी अर्थ है, सभी प्राणियों में उस प्रभु का अंश है, प्रभु जी आप ही प्रकाशमान सत्य स्वरूप परम सुख देने वाले स्वयं सिद्ध निरंतर और निराहारी हो। पांच तत्वों से बने प्राणियों के शरीर कल्पित हैं, आदि मधय अवसान एक रस तार तुम्ब न ताई, थावर जंगम कीट पतंगा पूरी रहियो हरि राई। इसका हिंदी अर्थ है, वह प्रभु सृष्टि का आदि मध्य और अंत हैं, वह प्रभु सारे संसार में एक समान समाया हुआ है। हे भाई, वह प्रभु सच में ही प्रेमा भक्ति रूपी धागे से बंधा हुआ है। प्रभु जंगलों पहाड़ों कीड़ों पतंगों सब जीवों में और हर जगह विद्यमान हैं। सर्वेश्वर सर्वंगी सर्वगति करता हरता सोई, शिव न अशिव न सात अरु सेवक उन्हें भाव नहीं होई। इसका हिंदी अर्थ है, वह प्रभु सबका श्रेष्ठ स्वामी है, संसार का कर्ता धर्ता और जीवों को मुक्ति देने वाला है, वह अज्ञानता का नाश करने वाला है। प्रभु न तो कल्याणकारी और न ही अकल्याणकारी हैं, वह तो स्वामी और न ही सेवक लगता है, क्योंकि उसमें कोई द्वैत भावना नहीं होती। धर्म अधर्म मोक्ष नहीं बंधन जरा मरण भवनासा, दृषटी अदृषटी गे अरु ज्ञान एक मेक रविदासा। इसका हिंदी अर्थ है, उस प्रभु के निज घर में न किसी का कोई धर्म है न अधर्म, न मुक्ति है न बंधन है, न बुढ़ापा है और न ही मृत्यु। गुरु रविदास जी फरमाते हैं कि वह परमात्मा सभी दृश्य और अदृश्य पदार्थों में भी है। प्रभु स्वयं ही ज्ञान है और स्वयं ही ज्ञानी, पर ऐसा जीव को उस समय अनुभव होता है जब जीव प्रभु का भजन कर प्रभु से एक रूप हो जाता है। संत शिरोमणि सद्गुरु रविदास जी यह 40 शब्द गुरु ग्रंथ साहिब में लिखे हैं, जिसका एक एक पाठ करके हम आप लोगों को अलग अलग वीडियो में दे रहे हैं। आप सभी पाठ को सभी भागों को बार बार करके इस वीडियो के माध्यम से जान पाएंगे। नमस्कार।